थोड़ी थोड़े टाइम के लिए ये सिर्फ यही सोचे कि दुनिया के अमीर तरीन बंदे इस टाइम कहाँ पे हैं, इंडिया के अंदर मौजूद है। मुकेश अंबानी जो दुनिया के 10वें बड़े अमीर तरीन आदमी और जो हमारी पाकिस्तानी पब्लिक की ये कह रही है कि वो अपना पैसा ज़ाया कर रहा है, भाई वो अपना पैसा ज़ाया वेस्ट नहीं कर रहा। देखेंगे इंडिया की जो आने वाली इकोनॉमी है इन फ्यूचर के अंदर इंडिया कहाँ पर बूस्ट कर रहा है। पड़ोसी मुल्क की इंटायर जीडीपी इन वन वीडियो, और उस वीडियो के नीचे मतलब कैप्शन के नीचे वीडियो क्या थी, मुकेश अंबानी की प्री वेडिंग की वीडियो चल रही थी बेटे की। जो है इंडिया में ना एक चीज के ऊपर लोग बहुत खुश हुए, सिंगर है रेहाना आई थिंक मे बी, और उसने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट या एक कमेंट किया था इंडिया के ऊपर, इट्स अ थर्ड क्लास इकोनॉमी। तो आज अंबानी ने उसको वहाँ इंडिया में बुलवा के नचवा दिया और इस बात पे इंडियन जो है बहुत खुश है। हमारा जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है वो शहबाज शरीफ साहब बने हैं। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने और बनने के बाद अपने भाई नवाज शरीफ से जब सलाम लेने गए तो भाई उन्होंने सलाम नहीं लिया। हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल ज़ुबैर वतनी। YouTube की बात कर लें, Facebook की बात कर लें, TikTok की बात कर लें, सारे सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही है, मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी इतनी धूमधाम से कर रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त, पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया के कैमरे इस वक्त इंडिया के ऊपर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ अगर PSL की बात करें तो लोग PSL को छोड़ छोड़ के मुकेश अंबानी की बेटे की शादी के ऊपर इंजॉयमेंट करने के लिए जा रहे हैं। और दुनिया के जो बिजनेस बिगेस्ट टाइकून है, बिजनेस टाइकून है, वो भी इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। आज इसी के ऊपर मुकम्मल बात करेंगे कि पाकिस्तानी आवाम जो ये कह रही है, पाकिस्तानी पब्लिक मीम्स के तौर पर कुछ बातें वायरल कर रही है जिसके अंदर वो कह रही है कि इंडिया के अंदर जितनी भी लोग आ रहे हैं, जितनी भी सेलिब्रिटी आ रहे हैं और इंडिया जितना पैसा खर्च कर रहा है मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी पर, वो सारा फजूल कर रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर आज वॉच करना। आजाद भाई, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है और पाकिस्तानी लोग कुछ ये कह रहे हैं कि उनके जो बेटे की शादी हो रही है उनके ऊपर इतना पैसा खर्च करने की क्या वजह है, इतना पैसा ज़ाया कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहले बात यह है कि जो पाकिस्तानियों का माइंड सेट है कि वो पैसा वेस्ट हो रहा है तो ये टोटली जो है गलत है। ठीक है, वो पैसा वेस्ट नहीं हो रहा ज़ुबैर साहब, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा। वो पैसा यूज़ हो रहा है और वो कैसे यूज़ हो रहा है, बड़ा माइंड है यार मुकेश अंबानी का। मतलब देखो, बिजनेसमैन बना है तो ऐसे ही नहीं बना, उसका माइंड लेवल चेक करो। अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ एक ही पोस्ट आ रही है, मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी, प्री वेडिंग कॉस्ट, गेस्ट कौन कौन, किसको कितना मिला, किसने कितने करोड़ लिए। इसमें अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके उधर आए मौजूद हैं और भाई हमारा PSL छोड़ के चले गए हैं, PSL छोड़ के पोलार्ड PSL छोड़ के इंडिया में चले गए और हमारे बाबर आजम को भी ऑफर हुई है इंडिया में जाने की, उनके शादी को अटेंड करने की। तो क्या फील हो रहा है, क्या कहने जाएंगे इस बारे में? बाबर आजम को जो ऑफर हुई है 10 करोड़ की, वो नहीं गया, उसने जो है रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो PSL में था। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने कल कमेंट्स देखे थे कुछ एक पोस्ट के ऊपर, पोस्ट कुछ इस तरह से थी कि बाबर आजम रिजेक्टेड और उसके नीचे कमेंट्स थे कि आप बाबर आजम को बाय नहीं कर सके, आपकी मतलब औकात नहीं है, लाइक ऐसे के कुछ थे। ठीक है, तो भाई ऐसे के कमेंट्स से अवॉइड करो, और जो रिप्लाईज आ रहे थे उसमें ये थे कि वो आपकी पूरी कंट्री को बाय कर सकते हैं। नो डाउट उसकी जो इनकम है, नेटवर्थ है, वो अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह के एक दूसरे को टॉन्ट मतलब ये इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ किया करो। ये जो वीडियो बनाने का खास मकसद ये था कि एक मुकेश अंबानी जो दुनिया के 10वें बड़े अमीर तरीन आदमी और जो हमारी पाकिस्तानी पब्लिक की ये कह रही है कि वो अपना पैसा ज़ाया कर रहा है, भाई वो अपना पैसा ज़ाया वेस्ट नहीं कर रहा, वो एक सर्कल काम कर रहा है, सर्कल घुमा के भाई अगर उधर लाइटिंग का काम होना है तो तब भी वो इंडिया से ही लाइटिंग का काम करवाएगा, फूल का काम, जितनी भी शादी के अंदर जितने भी फंक्शन होने हैं वो सारे के सारे इंडिया के अंदर से ही लोग उधर मौजूद होंगे और खाने के पकवान जो आ रहे हैं वो दुनिया से टॉप तरीन जो लोग हैं, बिगेस्ट तरीन, जो खाने को बहुत अच्छे तरीके से सर्व करते हैं वो उन्होंने बुलवाए हैं, टॉप शेफ्स जो हैं वो आ रहे हैं। उसके साथ साथ अमिताभ बच्चन की बात करें जो इंडिया के जो बिगेस्ट हीरोज हैं, फिल्मी अदाकार हैं, वो भी उधर मौजूद हैं। बिल्कुल, वो मतलब सबके गुरु माने जाते हैं फिल्मी सेक्टर्स के बीच में। ठीक है, अच्छा शॉकिंग फील नहीं होता कि यार दुनिया की दूसरी बड़ी शादी होने जा रही है, अब ये कहना जा रहा है कि जो अनंत अंबानी है उसकी जो बेटे की शादी है वो दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी शादी होने जा रही है, यार कैसा फील हो रहा है?
कि आप देखें कि मार्क जकरबर्ग भी उधर है, उनकी बेगम भी उधर है। और अगर बात करें कि भाई जो दुनिया का अमीर तरीन बंदा है वो भी इस वक्त इंडिया के अंदर ही मौजूद है। गेट्स की बात कर रहे होंगे ऑब्वियसली आप, बिल गेट्स की बात कर रहा हूँ। और उधर जो सबसे शॉकिंग और हैरान कर देने वाली बात है कि वो डोली चाय वाले के से जाके एक ढाबे से, छोटे से ढाबे से जाके चाय पी रहे हैं और चाय का इंजॉय कर रहा है, एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है जिसमें लगता ये है कि आने वाले कुछ दिनों में इंडिया दुनिया की टॉप तरीन इकोनॉमी के अंदर चले जाएगा, जिसका मुकाबला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो सियासत है वो अभी तक आपस में गहमा गहमी के शिकार हो रही है, दिन ब दिन गवर्नमेंट अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। अभी हमारा जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है वो शहबाज शरीफ साहब बने हैं, तो आपने उनकी एक वीडियो देखी होगी, वो भी जब भी जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने और बनने के बाद अपने भाई नवाज शरीफ से जब सलाम लेने गए तो भाई उन्होंने सलाम नहीं लिया। खैर ये जो सलाम नहीं लिया वो शायद बिजी भी हो सकते हैं, पर ये बहुत ज्यादा ये चीज बहुत ज्यादा वायरल होती चली जा रही है। और क्या लगता है कि एजाज भाई दुनिया का जो अमीर तरीन बंदा है वो इस टाइम इंडिया में जाके एंजॉयमेंट कर रहा है, लगता है कि वो जाके शादी के जो बुलाया था उन्होंने वेडिंग के लिए, वेडिंग के बाद वो अपने बिजनेस की डील को आगे लेके आएंगे, बिजनेस को प्रमोट करेंगे। आज इंडिया चांद पे है, शायद वो कल चांद से ऊपर जो सियारे हैं उनके ऊपर भाई वो गुजरता फिर है। अच्छा एक चीज मैं इसमें बताऊंगा कि इंडिया में ना एक चीज के ऊपर लोग बहुत खुश हुए हैं, एक सिंगर है रिहाना आई थिंक मे बी, और उसने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट या एक कमेंट किया था इंडिया के ऊपर कि इट्स अ थर्ड क्लास इकोनॉमी। सो आज अंबानी ने उसको वहाँ इंडिया में बुलवा के नचवा दिया और इस बात पे इंडियन जो है बहुत खुश है, उनकी जो है खुशी देख यकीन करो इतने मीम्स आ रहे हैं ना, वायरल हो रही है वो चीज़, ठीक है। और उसके साथ साथ जो दूसरी बात है कि वो उसने पैसा वेस्ट किया या उसने पैसा यूज़ किया, यूटिलाइज किया, कैसे किया ये आपको मैं थोड़ा सा एक लॉजिक बताता हूँ, कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। उसने ऐसे इसको यूटिलाइज किया कि देखें दुनिया के टॉप बिलियनर्स जो हैं, ठीक है, वो इस टाइम वहाँ पे इकट्ठे हैं, लाइक एक कंट्री है उसके सबसे रिचेस्ट पीपल्स 12 लोग हैं जिनके पास पूरी कंट्री का सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है। छोटी सी मैं बात करूंगा थोड़े टाइम के लिए, ये सिर्फ यही सोचे कि दुनिया के अमीर तरीन बंदे इस टाइम कहाँ पे हैं, इंडिया के अंदर मौजूद है। जस्ट 2 सेकंड के लिए आप ये माइंड के अंदर रखें और देखें कि इंडिया की जो आने वाली इकोनॉमी है इन फ्यूचर के अंदर इंडिया कहाँ पर बूस्ट कर रहा है। जी दादा मतलब ऐसे देखें इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पे हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, दूसरे लोगों के साथ मीटअप होगा, इंट्रैक्शन होगी, इंडिया के भी अब वहाँ से डीलर्स आएंगे जो इंडिया के बीच में काफ़ी अपने इंडस्ट्रीज में ग्रोथ रखते हैं वो भी वहाँ पे आएंगे, वो उनके साथ मिलेंगे, तो जब उनके साथ अटैचमेंट होगी ऑब्वियसली क्या होगा, एक उनका रिलेशन बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, एक चेन बनेगी, सर्कल बनेगा जिसके थ्रू वो अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को ज़्यादा ग्रो करेंगे। जैसे एक लोकल मर्चेंटाइजर है वो पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता था लेकिन वो इतनी उसकी वर्थ है कि वो वहाँ पे उस शादी में चला गया, वहाँ पे जाकर किसी एक दूसरे बंदे से मिल जाए जो कि वहाँ पर इतने बिलियनर्स हैं और उसके साथ उसकी कोई डील सेट हो जाए तो उसका बिजनेस कहाँ पे हाइप पकड़ गया ना, तो क्या हुआ, और इससे बेसिकली इंडिया ने हाइप पकड़ी। इंडिया की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का, भाई ये मुंह बोलता सबूत है। जिस तरह इंडिया के यूट्यूब का सीईओ भाई इंडिया का है, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई वो भी इंडिया का है, और दुनिया की जो आईटीज के ऊपर जो हुक्मरानी कर रहा है ना वो इस वक्त इंडिया ही कर रहा है। हमारी बात करने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तानी पब्लिक जितनी भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि दुनिया के अमीर तरीन जो सेलिब्रिटीज़ हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोग, वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट के बेतहाशा हम बाहर लगे हुए हैं। हम अपने 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 जैसे लोगों की जो आगे वर्क कर रहे हैं उनकी लेग पुलिंग करने पर लगे हुए हैं कि वो हमसे आगे कैसे गुजर गया। अगर वो दुनिया के अंदर, अगर इंडिया इतने अमीर बंदे पैदा कर सकता है, इतने अमीर इंसान पैदा कर सकते हैं, तो भाई पाकिस्तान भी अमीर इंसान पैदा कर सकता है। इसमें सिर्फ क्या है कि जस्ट आपको अगले बंदे की हेल्प की जरूरत होनी है, अगले बंदे को सिर्फ बूस्ट करने की जरूरत है आपको। यार एक वीडियो मैं कल देख रहा था, जुबैर भी आपने बात बहुत अच्छी की है, तो इसके साथ मैं एक ना कल वीडियो देख रहा था उसके ऊपर लिखा हुआ था पड़ोसी मुल्क की इंटायर GDP इन वन वीडियो, और उस वीडियो के नीचे मतलब कैप्शन के नीचे वीडियो क्या थी, मुकेश अंबानी की प्री वेडिंग की वीडियो चल रही थी बेटे की जो है, और मैं मतलब देख के कुछ थोड़ा सा शौक भी हुआ था, मतलब इसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हुआ है फिलहाल जो सोशल मीडिया है या जो इकोनॉमिकल बैठे हुए हैं स्टैटिशियंस बैठे हुए हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट आया हुआ है कि मतलब कितनी कॉस्ट लग रही है।
कोई कहता है 1000 करोड़, कोई कहता है 1500 करोड़, मतलब इतनी रेंज में वो अपने माइंड सेट लेकर बैठे हुए कि यार इतना लग गया भाई। नो डाउट कि अभी सोशल मीडिया पर सिर्फ यही चीज़ें चल रही हैं कि मुकेश अंबानी ने 1500 करोड़ डॉलर लगा दिया, कोई कह रहा है 1200 करोड़ डॉलर लगा दिया। अभी इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोवर्सी ज़रा प्यार मोहब्बत की स्टार्ट हो गई है, जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो मुकेश अंबानी इतने पैसे लगा चुके हैं। इसके अंदर हमने जो रिसेंटली वीडियोज़ बनाई है, हमने जो नॉलेज और डाटा इकट्ठा किया था जिसके मतलब हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कमेंट इसके रिलेटेड मिले कि इंडिया के जो मुकेश अंबानी ने जो शादी की है उस वक्त जो हमने कॉस्ट बताई है, जितनी लागत बताई है, वो हमने जितना अपने पास नॉलेज इकट्ठा किया था उस हिसाब से वो बिल्कुल करेक्ट नहीं थी। अभी तक जितने भी सोशल मीडिया पर यही बातों के ऊपर बात कर रहे हैं कि इंडिया मुकेश अंबानी ने इतने पैसे लगा दिए हैं, अभी एग्जैक्ट पैसे नहीं आए, जब आएंगे तो भाई मेरा ख्याल है कि दुनिया वैसे ही शॉक्ड में रह जाएगी कि पाकिस्तान जितना पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है वो इंडिया के जो मुकेश अंबानी ने शादी किया उसके तीसरे हिस्से के ऊपर वो कर्जा उतर सकता था। भाई इतना ज़्यादा उन्होंने जो शादी को इंजॉयमेंट करने के लिए किया है, मतलब जो उसकी कॉस्ट थी ना एक्चुअल बेसिस में ऐसा था कि विद द टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ती जा रही थी। जब हम वीडियो शूट करने गए थे उस टाइम पे कुछ और कॉस्ट थी, बट अपलोडिंग के टाइम पे उसकी कॉस्ट कुछ और हो गई थी, ठीक है। मतलब ऐसे रैपिडली वो बढ़ी है, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद कि इस वीडियो के बीच में हम बेसिकली एक्सप्लेन ये करना चाह रहे थे, कुछ पाकिस्तानी पीपल्स के थॉट्स थे कि वो पैसा वेस्ट कर रहा है उसको क्लियर करना था, कुछ अपने पाकिस्तानी लोगों को मोटिवेट करना था, और उसके साथ साथ उन्होंने जो वहाँ पर मुकेश अंबानी का एक बिजनेस माइंड था ना वो एक हम एक्सपोज करना चाह रहे थे कि वो इस तरह से अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है और उसके साथ साथ खुद भी उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, और उसकी शादी में है ना तो उसकी वैल्यू भी तो ऑब्वियसली बढ़ी ना। Exactly. उसने अपनी वैल्यू भी बढ़वा ली। हमारी जितनी भी सोशल मीडिया पर हमारी पब्लिक देख रही है वो आज की वीडियो के मतलब अपनी कीमती राय का आधार जरूर रखिएगा कि मुकेश अंबानी के बेटे की कितनी लागत आई है, अपनी कीमती राय का आधार जरूर करिएगा। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही लगे बेल घंटी के आइकन को हल्का सा पुश कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।